सबसे बड़ी कि ये मेरी खुशी है और मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि हिंदी की छोटी बहन भोजपुरी है और इन दोनों भाषा की माँ सरस्वती के मंदिर में एक अर्जी है। ये जो मुझे मिला है वो आप सबकी मर्जी है और मेरे बुज़ुर्गों ने कहा है कि इसको अपना जीत मत समझना, क्योंकि आगे बढ़ने की एक दादा साहब फाल्के अवार्ड है, जो आगे बढ़ने की एक सीढ़ी है आपकी। तो मेरे लिए बहुत खुश नसीबी है कि इतने सारे भीड़ में मुझे चुना गया, तो थैंक यू सो मच दादा साहब फाल्के अवार्ड। देखिए भोजपुरी बोलने वाले कम से कम 25 से 26 करोड़ लोग हैं, तो हिंदी के बाद तो भोजपुरी का ही स्थान आता है और हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें देखें और हमें पसंद करें और जिस भाषा के लिए हम काम करते हैं उस भाषा की उन्नति हो, उस भाषा का विकास हो। जब हमारे भाषा का विकास होगा तो हमारा विकास होगा ही होगा। देखिए खेल और संगीत दोनों एक ही मुद्दा है, जबकि दोनों में चीज़ों के एंजॉय मिलता है, तो ये तो डिसाइड हम क्या कर सकते हैं। हम एक सिंगर हैं, एक एक्टर हैं, तो हमें किसी इंसान से व्यक्तिगत रिलेशन नहीं होता है, हमारा एक प्यार मोहब्बत, क्योंकि हम हर इंसान से बने होते हैं। तो मेरे हिसाब से जहाँ देश की बात आती है तो नहीं खेलना चाहिए और इंसानियत की बात आती है तो खेलना चाहिए। अभी मेरी फिल्म दिलवाला रिलीज होने वाली है, उसके बाद बाबरी मस्जिद है, फिर मैं सेहरा बांध के आऊँगा, बहुत सारी 3-4 मूवी हैं। हाँ हाँ, थैंक यू सो मच।